नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय RN45 एजुकेशन पर। तो आज बात करेंगे एक और भर्ती की, GDS रिक्रूटमेंट 2024 यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 की भर्ती जो है आ रही है, जहां पे आप लोगों को 42,735 पदों के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी भर्ती है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है और यहाँ पे आप लोगों को सैलरी जो है 20,000 से ऊपर मिलने वाली है। तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि आखिर ये फॉर्म कब निकलेगा और कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, सब पर बात करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, भारतीय डाकघर GDS भर्ती 2024, इस भर्ती के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय डाकघर ने GDS के 42,735 पदों पर जो है आवेदन मांगे हैं, जहां पे आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बस योग्यता आप लोगों की 10वीं पास है, ठीक है, 12वीं पास यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए जो है अलग पोस्ट है। जो अगर बात करें ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 की वैकेंसीज़ की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार 42,735, जहाँ पर SC कैटेगरी के लिए 7,669, ST कैटेगरी के लिए 6,737 वैकेंसी, EWS के लिए 4,324, OBC कैटेगरी के लिए 9,033 और यहाँ पे देख सकते हैं अदर कैटेगरी 12, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे 12,406 इतने पोस्ट यहाँ पे हैं। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, तो अगर आप लोग 10वीं का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है तो आप लोगों का भी रिज़ल्ट आ गया होगा। अगर आप लोगों के 10वीं में 80% से ऊपर मार्क हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की नौकरी लगने का काफ़ी अच्छा मौका है और इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही मैंने जो बताया कि यहाँ पर जो है मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन होगा, 10वीं की मेरिट के आधार पर जो है आप लोगों का चयन हो जाएगा। अगर आप लोगों के 10वीं में 80% से ऊपर मार्क हैं तो आप लोगों का चयन जो है बिल्कुल निश्चित है। तो अगर बात करें GDS 2024 की वैकेंसी जो है कब तक आएगी, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं कि 2023 में काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी, जहां पे जो है कई सारे कैंडिडेट जो हैं सेलेक्ट हुए हैं और कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रुका हुआ है। तो उनके जो है एक डेट दी गई है, 31 मई तक जो है उनको डेट दी गई है कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करा लें। यानी कह सकते हैं कि GDS 2024 की भर्ती का जो है कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आप लोगों को जून लास्ट वीक या जुलाई महीने में जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर जुलाई महीने में जो है फॉर्म भरे जाते हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगस्त में जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और अगस्त में आपकी जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, उसी के आधार पर जो है आपका चयन होगा। और अगर सैलरी की बात करें तो पहले जो सैलरी थी वो थी 10,000 से 12,000, लेकिन अब इसमें जो है वृद्धि देखने को मिली है, अब जो है सैलरी जो है आपकी होने वाली है 20,000 से ऊपर, ठीक है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो सैलरी होगी वो 23,000 होगी और शहरी डाक सेवकों के लिए वो जो सैलरी होगी वो 25,000 होगी। और अब बात कर लेते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ के बारे में जिन्हें आप लोगों को अप्लाई करते समय जो है पास में रखना है। सबसे पहले बात करें तो 10th की मार्कशीट, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। आधार कार्ड, ये भी नेसेसरी है। पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों चाहिए, ठीक है, और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और एक नौकरी चाहते हैं 4-5 घंटे की, तो ये नौकरी जो है उनके लिए बेस्ट है क्योंकि वे जो है 4-5 घंटे की नौकरी के बाद भी अपनी पढ़ाई जो है जारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो GDS 2024 का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।